हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं सेकंड वीडियो डालने जा रही हूँ। ये देखिए सिम्बा कैसे बारिश में बैठा है। उसे बारिश में भीगना बहुत पसंद है, उसे पानी बहुत पसंद है और उसे नहाना भी बहुत पसंद है। बहुत डॉग्स कतराते हैं नहाने के लिए, लेकिन हमारा सिम्बा ऐसा नहीं है। उसे नहाना बहुत पसंद है। जब भी नहाने के लिए बोलूँ वो झट से तैयार हो जाता है और बाथरूम में घुस जाता है। और जब भी बारिश का समय होता है वो अपने आप ही टेरेस पे चला जाता है और बारिश में बैठ जाता है और ऐसे वो बारिश एंजॉय करता है। हम उसे स्विमिंग के लिए ले जाना चाहते थे, मगर हमारा शहर छोटा है और डॉग के लिए अलग कुछ स्विमिंग पूल नहीं है, तो हम उसे नहीं ले जा पाते। और हमारे यहाँ नदी है, मगर उसमें बहुत खतरा रहता है मगरमच्छ का, तो हम उसे नहीं ले जाते। ऐसी कुछ अलग चीज़ देख ली तो सिम्बा ऐसे रिएक्शन देता है। सिम्बा को पानी के साथ साथ एग्स और चिकन भी बहुत पसंद है। ये देखिए मैं कुछ दे नहीं रही हूँ मगर फिर भी चाट रहा है। उसे समझ आ रहा था कि एग्स है। ऐसे ही मैं उसके साथ मजाक कर रही थी, था तो एग मगर मैं दे नहीं रही थी, सिर्फ एक्टिंग कर रही थी, मगर वो मेरे झांसे में आ रहा था। फाइनली उसे जब एक दिख गया तो उछल कूद करने लगा। और फाइनली उसने पकड़ लिया सिम्बा। कितनी ये देखिए ये क्या क्या खाता है। ये लेमन ग्रास है और उसे ये भी बहुत पसंद है। मैं उसको मांग रही थी कि ये इसे मत खा, दे दे मुझे वापस, तो देखिए इसने क्या किया, उसे लेकर चला गया। ये देखिए सिम्बा को पानी बहुत पसंद है, इसलिए मैं कुछ अलग अलग जुगाड़ करके उसको पानी एंजॉय करने के लिए अलग अलग तरीके सोचती रहती हूँ। वैसे ही ये एक तरीका है, मैंने स्प्रे बॉटल में पानी भर दिया है और उसके ऊपर छींटे मार रही हूँ और वो बहुत एंजॉय करता है ये। अगर आपके पास कोई डॉग होगा तो ये ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, आपका डॉग ज़रूर इसे एंजॉय करेगा। स्प्रे बॉटल से जब पानी आता है तो वो थोड़ा फोर्स से आता है, तो इसलिए वो उसे पकड़ने की कोशिश में रहता है और वो पकड़ नहीं पाता, तो ऐसे वो उसको एंजॉय करता रहता है। ऐसे जुगाड़ू तरीके निकालिए आप ताकि आपका डॉग बोर ना हो और वो भी अपनी लाइफ एंजॉय कर सके आपके साथ। आप भी अपने डॉग को टाइम दे, दिन भर के बिजी शेड्यूल से कुछ वक्त निकाल के उसके साथ बिताए ताकि वो आपसे अटैच हो, क्योंकि उसके साथ आपके अलावा टाइम बिताने के लिए और कोई नहीं रहता है, तो प्लीज़ स्पेंड योर टाइम विथ हिम। आपको पता है आपका डॉग सबसे ज़्यादा आपसे कनेक्टेड रहता है, तो प्लीज़ आप अपने डॉग के साथ टाइम स्पेंड करें ताकि वो भी एंजॉय कर सके और आप भी एंजॉय कर सको। ये देखिए ये मैं भिंडी काट रही थी और उसने मुझसे मांग ली तो मैंने दे दी, मगर वो खा नहीं रहा था, तो मैंने क्या सोचा कि मैं उसको मांगती हूँ कि दे दे मुझे वापस। तो ऐसे जब भी मैं उसे चीज वापस मांगती हूँ तो वो झट से चबा डालता है और उसे निगल लेता है।
देखो आप, इसने ऐसे ही उपाय किया। वाला इसके बारे में अब सब पता है मुझे। रिवर्स साइकोलॉजी अपनाना पड़ता है। जब भी कोई चीज़ मांगो तो वो अड़ जाता है और वही करता है जो उसे ना कहने के लिए करो। क्या आपका डॉग भी ऐसे ही करता है? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। अलास गुड बॉय संपोल अस्तू गुड बॉय गुड बॉय अजून देऊया हा तुला देऊया देऊया ये देखो, इसने अब मेरी टी शर्ट ले ली। अब इससे वो खेलना चाहता है और मेरे को बोल रहा है कि खेल मेरे साथ, खेल मेरे साथ। ऐसे टी शर्ट मुंह में लेके इधर उधर भागेगा, इधर उधर घूमेगा और बोलेगा कि ले ले मेरे से ले। देखिए कैसे चैलेंज कर रहा है मेरे को, बोल रहा है हिम्मत है तो ले के दिखा। ये देखिए, दे नहीं रहा था टी माझे शर्ट, टी शर्ट आहे बिबो बोल रहा था नहीं दूंगा। ये देखिए, हाथ लगाकर बोल रहा था मत ले मत ले। गुड बॉय नको आहे नाही सोडणार तू सोड माझे की नाही पिपू माझा आहे माझा आहे माझा आहे पिपू फाइनली गुड मैंने ले लिया। बॉय गुड बॉय गुड बॉय ये देखिए, कुछ और उठा के ले आया। इसे तो कुछ काम ही नहीं है, कुछ ना कुछ उठा के ले आता है और मेरे पास आ जाता है और बोलता है कि खेल खेल मेरे साथ। तो मैंने एक काम किया, मैंने क्या किया, उसके गले में अटका दिया ताकि वो ऐसे मुंह में देखिए लेके घूम सके। ये देखिए, मगर फिर भी मान नहीं रहा था, बोल रहा था खींच मेरे मुंह से खींच। ऐसे ही उसे खेलना पसंद है। ऐसी कोई चीज उठा के लाएगा, ज्यादातर कपड़े लाएगा और बोलेगा कि खींच। उसे खींचना ऐसे मुंह से पसंद है, उसे एक तरह का खेल मानता है, पता नहीं क्यों। और जब मैं छोड़ू तो ऐसे देखता रहता है, फिर बोलता हाथ है छोड़ के फिर पकड़। भागा इसको ये अजीबो गरीब खेल पसंद है, पता नहीं कहाँ से सीख के आया है। और ऐसे ही खेलते खेलते मस्ती में ऐसे उल्टे हो जाता है। ऐसे ऐसे खेल वो बहुत पसंद करता है। ये देखिए, फिर से उल्टा हो जाएगा। जब भी ऐसे करता है मुझे बहुत क्यूट लगता है। और अगर मैं उससे वापस मांगू वो चीज, तो देखिए जैसा उसका स्वभाव है, चला गया नीचे। ये देखिए, फर्स्ट टाइम मैंने उसको ये दिया था तो उसको बहुत एंजॉय कर रहा था। देखो कैसे खा रहा है। जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ तब तब ये ऐसे दरवाजे पे मेरी वेट करता रहता है कि कब आएगी। देखिए आप लोग कैसे देख रहा है मुझे। सोच रहा था कि अंदर क्यों नहीं आ रही है, बाहर से क्यों ऐसे देख रही है मुझे। जे
तो गाइस ऐसे ही सिम्बा और जैक की वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड मोटिवेट मी।